दस दिन पहले वोट एक व्यक्ति ने कर दिया है और कैसे किया है इस वीडियो को देखिएगा तो पता चल जाएगा कि दस दिन पहले वोटिंग के दस दिन पहले ही वोट कास्ट हो चुका है और ताला लॉक हो चुका है और जो किस्मत का ताला जो है वो चार जून को खुलेगा और दस दिन पहले ही इन्होंने कर दिया है वोट कास्ट वो भी घर पर घर पर हुआ है ये गए नहीं है ये घर पर किए हैं और घर पर अधिकारी इनको आके वोट कास्ट करवाया इससे पहले तो कभी आज तक घर पे वोट नहीं दिए होंगे ना, 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 ना पहली बार दिए पहली बार है पहली बार है हा पहली बार है, हाँ, पहली बार है। बिहार में लोकसभा चुनाव चल रहा है और चुनाव के इस सरगर्मी के बीच में आप चौक जाइएगा सुनकर कि सात तारीख को वोटिंग है और उसके पहले ही यहां पे वोट डाल दिए हैं एक व्यक्ति जी हां ये वोट आखिर क्यों डाल दिए सात तारीख को वोट है और उसके पहले ही वोटिंग हो चुकी है और तकदीर तय हो चुका है कि आखिर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से किसे ये व्यक्ति जिता रहे तो चलिए हम आपको बता दें कि इस बार चुनाव आयोग के द्वारा एक बहुत बड़ी पहल की गई है जिस पहल के द्वारा पचासी वर्ष से ऊपर व्यक्तियों को इस बार चुनाव आयोग के द्वारा घर पर आके वोट कास्ट किया जाएगा यानी कि वोट कर, कास्ट करवाया जाएगा पदाधिकारी आए हैं फोटोज फुटेज देख लीजिए किस तरीके से पदाधिकारी इंटर करते हैं किस तरीके से आ, पोस्टल बैलेट जो है उसको लेकर आते हैं बॉक्स को लेके आ रहे हैं और किस तरीके से 95 फाइव ईयर उम्र यानी कि पंचानवे साल की उम्र के व्यक्ति यहाँ पे हैं बुजुर्ग हैं और इनका वोट जो है वो कास्ट हुआ है और इन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया कि आखिर भाई ये किसे पसंद करेंगे इस बार मोदी का 400 पार वाला नारा या फिर राहुल गांधी का हुंकार वाला नारा आइए बात करते हैं और पंचानवे साल उम्र है वोट डाल दिए आप वोट में डाल दिए हाँ। डाल दिए हाँ। डाल दिए ना ना अच्छा ये अच्छा लगा जो चुनाव आयोग जो है अब घर पे आ रही है घर पे वोट जो है वो दिया जा रहा है आप लोगों को इससे पहले तो कभी आज तक घर पे वोट नहीं दिए होंगे ना नहीं ना ना <laughs> पहली बार दिए पहली बार है पहली बार है हाँ पहली बार है, हाँ, पहली बार है� कैसा लगा अच्छा लगा घर पे आके वोट जो है ले रहे तो रहा गया अच्छा नहीं लगेगा लग हाँ क्या बदलाव दे, देखना चाहते हैं किस मुद्दे पे वोट दिए हैं इस बार हाँ? क्या बदलाव देखना चाहते हैं क्या मुद्दा रहा वोट देने का आपका वोट कहा विकास उकाश हुआ है कि नहीं इतना सालों में बहुत पहले से देते आ रहे होंगे ना आप वोट बहुत हुआ है बहुत हुआ है, और होना है ना तो देखिए ये 95 फाइव ईयर उम्र उम्र है यानी कि 100 साल मान के चलिए कि पहले के जमाने में जानते ही हैं कि कैसे क्या होता था तो 100 साल इनका उम्र हो गया है और जो कागजी तौर पे पंचानवे साल के हो गए हैं और 95 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति का जो है वोट कास्ट हुआ है और यहाँ पे देखिए बीएलओ साहब भी हैं जो कि इनकी बहुत बड़ी जो है भूमिका हुई है इसमें ये जो है इस बार हम आपको बता दें कि पचासी साल से उम्र के ऊपर के व्यक्तियों को जो है फॉर्म डी भी भरना था और उसके बाद कौन कौन एलिजिबल थे इस बार तो एक दिव्यांग व्यक्ति जो कि 40 परसेंट से ज्यादा जो है उनकी अः दिव्यांग जो है प्रमाण पत्र जो है वो 40 परसेंट से ज्यादा हो तो उनको वोट कास्ट जो है उनके घर पे होगा और दूसरा जो है वो बुजुर्ग व्यक्ति जो पचासी साल से ऊपर आइए बियालो साहब से बात करते हैं कैसे हैं सर जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा है पूरा आप लोग घर घर जाके वोट कास्ट करवा रहे हैं जी 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 घर घर जा के करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक मतदान का प्रतिशत हो और हम जो जो मेरा ये क्षेत्र है दो जो हसनपुर विधानसभा का दो जो कर्म संख्या का जो में है ये यू एम एस पार बखारी जगह का नाम है इसमें दो वार्ड हैं और करीब करीब एक हज़ार आठ मतदाता हैं यहाँ पे और उन मतदाताओं में खास करके आज जो हम यहाँ पर वोटिंग हुआ है वो पचासी प्लस के लिए बड़ी ही बारीकी से आज वोट दे करके काफ़ी खुशी जाहिर किए हैं मैं समझता हूँ कि इनके लिए बहुत ही शुभ दिन आज का था इसलिए कि जीवन में ये पंचानवे बसंत देख चुके हैं और पंचानवे बसंत देखने के बाद आज घर पर कम से कम मतदान कर, कर लिए ना जाने अगला पाँच साल किस तरह से गुजरे इनके लिए अच्छा हो या खराब हो मैं समझता हूँ कि ये दीर्घायु हों लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर कुछ भी कहना मुश्किल है कास्टिंग जो है इन्होंने किस तरीके से फॉर्म अप्लाई किया था बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगा तो उन लोगों के लिए जानकारी करने के लिए हम आपको बता दें कि सक्षम ऐप एप एक एप्लीकेशन आता है जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह निर्धारित किया गया है आप सक्षम ऐप पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और दूसरा आप बीएलओ से कंसल्ट कर सकते हैं जो आपके नजदीकी बीएलओ है उनके पास जाइए या उनको बुलाइए वो आपके घर पे आएंगे और वो अपना आंकड़ा लेके इस तरीके से चलते हैं इससे उनको पता चल जाता है कि भैया कौन कितने उम्र के व्यक्ति हमारे क्षेत्र में है और उनके पास कैसे पहुंचना है क्या सही बोले ना? जी जी बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात है जी बाईस अप्रैल है दस दिन पहले यानी सात अप्रैल को वोट कास्ट होगा और दस दिन पहले वोट एक व्यक्ति ने कर दिया है और कैसे किया है इस वीडियो को देखिएगा तो पता चल जाएगा कि 10 दिन पहले वोटिंग के 10 दिन पहले ही वोट कास्ट हो चुका है और ताला लॉक हो चुका है और जो किस्मत का ताला जो है वो चार जून को खुलेगा और दस दिन पहले ही इन्होंने कर दिया है वोट कास्ट वो भी घर पर घर पर हुआ है ये गए नहीं है ये घर पर किए हैं और घर पर अधिकारी इनको आके वोट कास्ट करवाया ये बात करते हैं कुछ लोगों से कैसा लग रहा है आप लोगों को अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है आशा एक भारत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आकर हमारे ए, जो हमारे क्षेत्र में मेरे घर पर आकर मेरे पिताजी का ले रहे हैं बहुत अच्छा लगा है ये बताइए आप भी खुद टीचर हैं और बहुत वोट प्रतिशत जो है वो घटता गया है पहला जो है चरण जो है वो वोट प्रतिशत बहुत कम हो गया था दूसरा चरण में अच्छा हुआ है गर्मी की भी जो है मार बहुत झेल रही है बिहार और पूरा देश क्या कहिएगा क्या संदेश दीजिएगा जो एक बुजुर्ग व्यक्ति जो पंचानवे साल के हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं और लोगों को भी तो आना चाहिए बाहर निकलना चाहिए हाँ हाँ एकदम निकलना चाहिए मतदान तो एकदम सबका अधिकार है हर आदमी को मतदान करना है और मुझे बहुत खुशी हो रही है निर्वाचन आयोग से जो पचासी साल के बुजुर्ग को घर पर ये बूथ नहीं है ये घर है मेरा और यहाँ पर आकर बैलेट पेपर के द्वारा वो इनका मतदान करवाए हैं मुझे बहुत खुशी होती है ये पहली बार आपने देखा होगा ना अपने पूरे जीवन में हाँ मैं ये पहली बार देखी पंचानवे साल के हो गए हैं ये भी पहली बार ही जो है इस चीज को देखे और हम लोग भी पहली बार देख रहे हैं कि भैया कोई जो है निर्वाचन आयोग के जो है कर्मचारी जो है वो आते हैं घर पे आके आपका वोट कास्ट करवा के जाते हैं आइए बात करते हैं। क्या नाम आपका नेहा कुमारी अच्छा ये बताइए कि आप लोग तो पूरा एकदम बहुत खुश है महिला जो है वो तो सशक्तिकरण होती है और जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति जो आपके पिताजी हैं ससुर जी हैं और उनका वोट कास्ट करवाया गया घर पे ये तो बहुत खुशी की बात है ऐसा तो होना चाहिए क्योंकि ये सुविधा नहीं देंगे तो कैसे होता इनका तो वोट बेकार जाता आप वोट देना तो सबका अधिकार है जी। एक एक वोट का महत्व समझा गया है इस बार इस बार सरकार चुनाव आयोग की तरफ से एक एक वोट का महत्व समझा गया जिनका उदाहरण मेरे बाबू हैं

हर घर पहुंच रहे हैं हाँ, हाँ या, इस चीज का संभावना नहीं भी था लेकिन घर पा का वोट दिए हैं ये बहुत अनोखा हम लोग सोच भी नहीं सकते थे घर पा का भी वोटिंग होगा हाँ, बिल्कुल तो देखिए ये सोच भी नहीं सकते थे आइए हम एक और जो है इनसे बात करते हैं ये पुत्र हैं इनके और क्या नाम हुआ आपका विनोद कुमार सिंह अच्छा वोट कास्ट हुआ है आपके घर पे आके आपके पिताजी का वोट कास्ट हुआ है ये एक मैंने अलग पहल दिया गया है पहली बार जो है ये पूरे भारत में हो रहा है और इसका मतलब एक जीता जाता उदाहरण जो है आपका परिवार भी बना इस बार इसको किस तरीके से देखते हैं बहुत अच्छा लगा है ऐतिहासिक पल है इस बार हाँ पहली, पहली बार, बार, हुआ पहली बार पहली बार। और पहली बार यहाँ पे आए हाँ, पहली बार हम देखे हैं और पहली बार हुआ है हाँ वोट वोट कास्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है बहुत कम वोट हो रहा है इस बार क्या कारण देखते हैं इसको लेकर वोट सबका अधिकार है देना चाहिए जी। हाँ इसमें अपना अधिकार को रखना चाहिए वोट देने के लिए वैसे पचास साल के मेरे पिताजी हैं हाँ जो निर्वाचन आयोग ने आकर मेरे घर पर वोट करवाए हैं हाँ बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा है और ये एक नई पहल है तिस, अभी वोटिंग का सीजन चला है तो इसलिए हम अपना वोटिंग राइट देने के लिए यहाँ पे आए हैं ये पहली पीढ़ी जो है वो वोट जो है नाइन्टी के उम्र में करती है और तीसरी पीढ़ी कहती है की मैं वोट देने के लिए यहाँ पे आई हूँ और यहाँ से अभी जो है सेल्फ स्टडी घर पे कर रही है अच्छा किस तरीके से देख रहे हो दादाजी जो है वो वोट कास्ट किए हैं और आप लोग को जो है एक जो है इंस्पिरेशन भी मिल रहा है कि नहीं हमें वोट देना चाहिए बहुत सारे लोग जो है वो नहीं देते इस पर क्या कहोगे मुझे लगता है कि जागरूकता जागरूकता की कमी है अगर लोग जागरूक बनेंगे तभी इन चीज़ों का उपयोग मतलब महत्व मतलब, मतलब समझेंगे और इनका फ़ायदा उठाएंगे और उठाना चाहिए क्योंकि आपको सरकार मतलब निर्वाचन आयोग आपको ये अधिकार देती है कि अपना अपना वोट रखिए क्योंकि हाँ तो फिर हमें भी इसका फायदा उठाना चाहिए एग्जैक्टली फायदा उठाना चाहिए क्या क्या एजेंडा होना चाहिए एज ए युवा पीढ़ी यंग जनरेशन क्या देख रहा है इस बार वोट जो है किस पे कास्ट करेगा क्या सोच के करेगा बताओ पहले तो था कि ज़्यादातर लोग हम लोग अवेयर नहीं थे तो रिलीजन बेसिस पे तो कास्ट बेसिस पे ऐसे चलते थे लेकिन जैसे कि हमारी यंग यूथ जनरेशन है जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे नॉलेज वो ले ले पा रही है और हम लोग डिसीजन भी ले पा रहे हैं डिसीजन मेकिंग ले पा रहे हैं तो हम लोग हम लोग का मेन फोकस है कि डेवलपमेंट की और uh, जाए डेवलपमेंट हो इम्प्रूवमेंट हो हम हर मिडिल क्लास मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी बने उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। क्योंकि एक यही वर्ग है जो बहुत कम स्तर पर नीचे जा रही है तो हम चाहेंगे कि हमारे मिडिल क्लास लोग का ज्यादा इंक्लूशन हो हमारे एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा तो फोकस किया जाए exactly. बहुत बड़ी बात बोले कि जात पात पे अब की बार जो है वोट जो है वो बिहार नहीं कर रहा है और बिहार को जो है ये संदेश दे रही है कि कि युवा लड़की बिहारी भैया जात पात खूब हुआ धर्मवाद खूब हुआ अब की बार वोट जो है वो विकास के नाम होगा नौकरी के नाम होगा रोजगार के नाम होगा और विकसित बिहार तभी बनेगा जब ऐसे सोच के लोग जो है वो आएंगे और क्या ये डिसीजन बीजेपी और जदयू या आरजेडी को देख के होता है या कैंडिडेट को देख के वोट करना चाहिए देखना चाहिए कि कैंडिडेट कैसा है मतलब लोकल स्तर पे कैंडिडेट को देखना महत्वपूर्ण है कैंडिडेट को देखना चाहिए उनका काम कैसा है हाँ तो अगर उनका काम उनका वर्क्स बहुत अच्छा है तो हमें उस पे ध्यान देना चाहिए ना कि रिलीजन कास्ट इन सब चीज़ों पे क्योंकि अब वो टाइम चला गया है वो पास्ट था लेकिन अभी हम लोग यंग यूथ जनरेशन हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बेनिफिट किस में जा रहा है अगर हमारा बेनिफिट एजुकेशन ज़्यादा अच्छा बन रहा है या हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है तो हमें उन चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए और उस स्तर पर हमें वोट अपना देना चाहिए बिहार के तीसरे चरण से पहले जो है वोट कास्ट हो चुका है और हमारे साथ 95 उम्र के एक व्यक्ति हैं बुजुर्ग हैं और पहले चरण में जो है उनचास मात्र उनचास परसेंट वोट हुआ था कास्ट तो सवाल ये है कि आखिर वोट जो है इतना कम क्यों गिर रहा है और लोग जब इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर वोट का महत्व जो है आप नहीं समझेंगे एक वोट के चलते जो है एक कैंडिडेट जीत जाता है और एक कैंडिडेट हार जाता है और सरकार भी एक सदस्य के कारण हारती है और जीतती भी है एग्जाम्पल जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की है आइए हम बात करते हैं तीसरी पीढ़ी से एक पीढ़ी से तो हमने आपको बात कराया है जो सपना जो कि बाहर रहती है वो पढ़ने पढ़ाई जो है उसको दस दिन का ब्रेक लेके और वो अभी यहाँ पे चुनाव के लिए आई हैं और चुनाव जो है इस बार वोट कास्ट करेंगे आइए दूसरे क्या नाम आपका रेवंत कुमार देवन कुमार अच्छा दादाजी का क्या क्या दिक्कत होता है आपके अभी तो चल भी नहीं पा रहे होंगे बहुत दिक्कत हो रहा होगा हाँ अभी तो ठीक से नहीं चल पाते हैं क्योंकि कि बहुत ही इनका उम्र हो गया है ऊपर से इनको देखते हुए हमें लगा कि आप जहाँ अगर बूथ होगा अगर बूथ में अगर कहीं वोट के लिए जाने के लिए भी नहीं थे तो सक्षम हम सब सोचे कि इस बार तो वोट नहीं दे पाएंगे दादाजी पर जो चुनाव आयोग है उन्होंने बहुत ही बढ़िया कदम उठाया बोले कि जो ठीक से चल नहीं पाएंगे जो बहुत ही बुजुर्ग हो गए हैं 85 प्लस उनके लिए हम घर ही पे आएंगे जो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा हम तो सोच रहे थे कि गया इस बार दादाजी का वोट चला जाएगा बहुत दुख हो रहा था पर ये निर्वाचन ने जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बहुत ही बढ़िया पहल निकाला और घर पे आके बैलेट पेपर से वोट डिलवाया दादाजी के लिए हम तो बहुत खुश हैं इमोशनल भी हो रहे हैं और ये इमोशनल तो ये जो है जो है बदल रहा।, समझ रहा है कि वोट का कितना इम्पोर्टेंस होता है और अपने दादाजी के लिए इमोशन जो है बाबू तो ये, ये आप बताइए कि मतलब दादाजी जो वोट दिए है वो क्या आप लोग सिखाया है कि खुद से वो, अच्छा आपको कोई सिखाया नहीं ना कि इस इसमें जाकर दबाना है आप अपने मर्जी से दिए हैं अपना मन से अपना मन से ना कोई सिखाया नहीं ना है नहीं ना। नहीं ना ना जो आपको समझ में वही किये है ना आप हाँ हाँ। देखिए अभी भी तनाटन तन बोल रहे हैं बोल रहा है कि हम जो है अपने मर्जी से दिए हैं तो अच्छा ये बताइए क्या इम्पोर्टेंस है इस वोटिंग का जो है क्या और क्या अपील करोगे हम तो यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक जो यूथ है यंग जनरेशन जो आजकल वोटिंग के लिए नहीं आते हैं इतनी गर्मी धूप में आना चाहिए और वोट देना चाहिए क्या कि इस वोट से वो सरकार बदल सकते हैं और वो अपना चुन सकते हैं सरकार की उनको क्या चीज़ के लिए चुनना है सरकार एजुकेशन के लिए चुनना है क्या बेनिफिट्स के लिए वो अपने वोट से अपना सरकार बना सकते हैं दादाजी अपील कर दीजिए लोगों को बिहार के लोगों को और देश के लोगों को कि वोट दीजिए वोट आपका अधिकार है वोट बदलेगा बिहार वोट बदलेगा देश बोलिए मैं वोट दीजिए वोट दीजिए आप सभी वोट दीजिए मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आप वोट दीजिए वोट जाइए आप सभी से अपील करता हूँ कि दादी बोल रहे हैं कि हम सब देशवासियों से अपील करते हैं कि सब जाके वोट दे और अपना मतदान गिराए और अपना सरकार चुने मैंने दे दिया है आपने दे दिया है ना और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोट दीजिए ना हाँ जाना है देखिए ये कहानी जो है वो काफ़ी रोचक थी और ये इंटरेस्टिंग कहानी जो है वो हम आपको लेकर आए थे बखारी गांव से बेलसंडी में बखारी पड़ता है और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र है और ये लोकसभा क्षेत्र जो है वो खगड़िया है तो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की कहानी सात तारीख को वोट होगा सत्ताईस को वोट पड़ चुका है बुजुर्गों से शुरुआत करता है बिहार बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके बढ़ता है बिहार वही बुजुर्ग जो है इस बार पहली बार वोट कर रहे हैं बिहार में जी हां पचासी साल से ऊपर के बुजुर्गों को प्रिफरेंस दिया गया है बिहार ही नहीं पूरे देश में निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग के द्वारा कि आप आइएगा नहीं तो हम आपके घर पहुंचेंगे सुरक्षा कवच के द्वारा और हम आपसे वोट कर, करवाएंगे कास्ट और उसके बाद जो है सरकार चुनने में आपकी अहम रोल होगी जो कि सरकार डिसाइड करेगी बुजुर्गों की ताकत से तो खबर में इतना ही इस वीडियो को पसंद आए तो खूब सारा शेयर कीजिएगा कैसा लगा ये न्यूज़ जरूर आप सभी से आशा एक भारत की टीम अपील करती है कि आप भी जाइए फोर्टकास्ट कीजिए वोट का महत्व जो है वो पूरे भारत को समझना होगा तभी भारत परिवर्तन की ओर अग्रसर होगा डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होगा जय हिंद जय जै भारत आप देख रहे हैं आशा एक भारत आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है इसके लिए आप सभी का शुक्रिया जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो वीडियो पसंद आया तो खूब सारा शेयर कीजिएगा जय हिंद जय जै भारत धन्यवाद